Today I'm here in Karenghar, here in Sipsagar. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शिवसागर है, ये जो अहम किंग का सामने समय में बनाया गया, ये जो है पीछे जो है आप देख सकते हैं कि पीछे का जो सीनिक ब्यूटी है घर का। एंड पता नहीं नेच कि उस जमाना में ये जो ब्रिक्स जो है इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग। अभी का जो ब्रिक्स है उसका जो शेप जो अलग है, फिर भी दिस ब्रिक सीम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन द अर्लियर वन। यू कैन सी हियर द बैक साइड व्यू ऑफ करेंघर, द पीपल आर एंजॉयिंग ओवर हियर। आप देख सकते हैं और ये पीछे से जो एंट्रेंस है, इट सीम्स यू नो इट सीम्स स्कैरी आल्सो, पता है डरावना सा भी लगता है देखने से ना, फिर भी इट्स अ वे डाउन टू द ग्राउंड फ्लोर। इसको छोड़ के और हियर यू कैन सी ये जो है इट्स अ डोम शेप, हर तरफ दरवाजा दरवाजा दिखाई दे रहा है। यू कैन सी ऑल ओवर डोर्स, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए शायद बनाया था। तो ये यहाँ से ये ऊपर जाने का था शायद टॉप फ्लोर में, लेकिन ये बंद किया गया। यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये आपका फ्रंट व्यू है हमारे घर का। यू कैन सी द सीनिक ब्यूटी और इनके चारों तरफ आप देख सकते हैं द ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर अराउंड करेंघर। सो अभी गाइस मैं चलता हूँ नीचे, वैसे तो कुछ देखने के लिए तो है नहीं, लेकिन ये जस्ट अमेजिंग कि कैसे बनाया, ये देख के बहुत ही आश्चर्यजनक। चलता हूँ नीचे की ओर, धरना पड़ेगा रास्ता, अच्छा मिल गया। ओके आई एम गोइंग डाउन। ओ आप देखिए इन्होंने किस तरह से बनाया है इन लोगों ने, वाह अमेजिंग। लेकिन जिस तरह से ये दरवाजा बनाया गया है, उसका जो हाइट है देख के ऐसा लग रहा है कि उस जमाने में शायद मिलो कितना टॉल नहीं था, नहीं तो शायद एनिमीज लोग को घुसने में तकलीफ होने दो बल्कि शायद छोटा दरवाजा बनाया हो, लेकिन क्वाइट स्मॉल डोर्स। यहाँ पे जो उस जमाना का चेयर नहीं, ये आधी का जमाना का चेयर है, सिक्योरिटी पर्सन लोग यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन सी ये ग्राउंड फ्लोर का है, हम देख सकते हैं किस तरह से एक रास्ता, हर एक रास्ता का बगल में आप एक रूम जाने के लिए आप दिखाई देंगे यहाँ से। सो दिस इज द होल प्लेस, ओ इट सीम्स यू नो इतना अंधेरा यहाँ पे। चलते हैं बाहर, ज़्यादा अंदर देर नहीं मिलती हुई। सो ये गाइस ग्राउंड फ्लोर का नीचे का हिस्सा, शायद ये जो है न्यूली कंस्ट्रक्टेड, ये शायद नया सीमेंट से बनाया लग रहा है, पहले का जो है अंदर में हो गया, कुछ टूटा हुआ था शायद, इसलिए वो लोग ने नया सीमेंट से प्लास्टर करके बनाया, ऐसा लग रहा है देखे इतना पुराना नहीं लग रहा है। सो ये है करेंघर, दिस इज ऑल। अभी मैं आपको आगे से दिखाता हूँ करेंघर कैसे दिखता कैसे है और ऑल व्यू उसका दूर से। सो ये बाहर निकलने का रास्ता है और आप देख सकते हैं करेंघर, मैं इनको दिखाता हूँ। दिस इज
करण घर एंड देयर इज माय ब्रदर, वो आते हुए यहाँ पे देखिए इस सुंदरता से बनाया हुआ है। सोच के मुझे बहुत ही आश्चर्य लगता है कि उस जमाना में ऐसे बिल्डिंग भी बनाया गया था। इट्स क्वाइट अमेजिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट करण घर। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं कहीं अलग जगह पे। सो यू कैन सी दिस इज द एंट्रेंस फ्रॉम हियर। देख सकते हैं यहाँ से एंट्रेंस काउंटर ओवर हियर। पर इनके सब कभी आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे स्कैनिंग होता नहीं है वैसे। यू हैव टू गो थ्रू दिस इन अ गूगल सर्च एंड देन यू कैन पे ऑन थ्रू योर UPI और डेबिट कार्ड एंड यू सी द पीपल अराउंड द टिकट काउंटर लिस्ट। For a person it costs only 20 rupees if you are adult. So this is the outside view of this Karan Ghar. अभी मैं करण घर को छोड़ के कई और रंग घर और उसके बाद वो जो लेक है उसमें अभी घूमने जाऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द करण घर। थैंक यू गाइस, थैंक यू।